जे तुसी पाकिस्तान तों हो, इंडिया तों हो, पंजाबी जबान समझदे हो ते यूएसए दी डंकी लाना चाहते हो तो यह वीडियो नू एंड तकना जरूर तकियो। हाँ जी, तो वेलकम बैक एक बार फिर टीच विज आ पंजाबी। तो उम्मीद करदा कि तुसी ठीक होवोगे। अज दी जिहड़ी साडी वीडियो होएगी वह होएगी ब्राज़ील दी डंकी दे बारे च। ब्राज़ील दी डंकी दी गल करांगे। पाकिस्तान इंडिया टू ब्राज़ील डंकी फ्लाइट 2020। ब्राज़ील किंज लै के जाया जाता पाकिस्तानियों नू, इंडियन नू, किहड़े राह पा के कितों का वीज़ा लवा के तुहानू ब्राज़ील पहुँचाया जाता है, असीं तुहानू इस वीडियो विच दसांगे। इस वीडियो नू एंड तक जरूर तकियो। इस तो पहला असीं वीडियो बनाई थी नॉर्वे की डंकी दे उत्ते, फिनलैंड की डंकी दे उत्ते, आस्ट्रेलिया की डंकी दे उत्ते। जे तुसीं नहीं वेखी तो लिंक तुहानू थल्ले डिस्क्रिप्शन विच लभ जाएगा, जाके उन्हां वीडियो नू एक बार जरूर तकियो। जे तुसी चैनल ते नवे हो टीच वीज़ा पंजाबी नू सबसक्राइब कर लवो। लाल कलर का बटन होना है, नाल ही एक घंटी का बटन होना है, उन्हें भी दबा दियो ता कि जदों भी असी वीडियो अपलोड करिए उहदा नोटिफिकेशन तुहानू मिल जाए। जे तुसी कोई भी वीडियो किसी भी कंट्री उत्ते चाहते हो थले कमेंट्स बॉक्स के सानू जरूर पुछियो। तो नाल दी नाल ही साडा दूसरा चैनल टीच वीज़ा उर्दू वाला, वो तो असं उर्दू जबान के वीडियो अपलोड करने हैं, उन्होंने भी जाके सबसक्राइब कर लो। वह भी लिंक तुहानू थले डिस्क्रिप्शन च लभ जाएगा। हाँ जी, तो सब नाल पहला पाकिस्तान ते इंडिया का जरा सिटीजन ने उन्होंने लैके जाया जाता है दुबई यूनाइटेड अरब एमरेट। उत्थे लैके जाता है, उत्थे तुहानू तिना महीनों का या एक महीने का विजिट वीज़ा लैके तुहानू उत्थे रखा जाता है। उत्थों फिर तुहानू किसी ना किसी तरीके किसी के पेपर उत्ते या फिर तुहाडे खुद के डाकूमेंट तैयार करके बैंक स्टेटमेंट बना के हर चीज़ करके एजेंट ही सब कुछ करता है। फिर तुहानू उत्थों दुबई तो डायरैक्ट फ्लाइट जी वह ब्राज़ील की करवाई जाती है सो पोलो की। 90% जरा राह यूज होंगे ना वो यह ही होंगे पाकिस्तान तो इंडिया तो तुम लैके जाया जाता है दुबई। दुबई फिर जेन्युइन तरीके दे नाल या फिर किसी के कागजात उत्ते फेक तरीके दे नाल तुम ब्राज़ील पहुँचाया जाता है। इंडिया पाकिस्तान तो लैके ब्राज़ील तक एक महीने तो लैके तो 6 महीनों तक भी टाइम लग जाता है तुम राह दे विच। सिर्फ पाकिस्तान इंडिया तो तुहानू चुक के दुबई तो दुबई अगो तुहानू ब्राज़ील लियाउण दी कराई। कई लोग 1 महीने 15 दिन च पहुँच जाते हैं, कई लोग जिहड़े ने 6 महीनों तक भी नहीं पहुँचते क्योंकि सख्ती होंगी है तुहाडे पेपरां दा मसला होंदा है। तो जिहड़े एजेंट होंदे ने या तो जेन्युइन तरीके दे नाल बड़े घट चांस ने कि जेन्युइन तरीके दे नाल तुहाडा वीज़ा लवाया जाए, या नहीं तो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो जो इंडियन पाकिस्तान में वीज़ा फ्री देता है उतों का इनविटेशन लैटर कराया जाता है। उतो फिर तुम्हें वाया ब्राज़ील जो ना वो लैके जाया जाता है, फिर ब्राज़ील के एयरपोर्ट तुम्हें जो ना वो कढ़ा दिता जाता है। ज़्यादातर जिहड़ियां फ्लाइटां ने वो दुबई तो उड के सो पोलो ही जांदियां ने। रियो जनेरियो बड़े घट लोग जो ने जाते हैं क्योंकि सो पोलो तो ही जरा ना वो अगू डंकी भी स्टार्ट होंगी है इक्वाडोर जाने वास्ते या पेरू जाने वास्ते। जो तुम ब्राज़ील के एयरपोर्ट के उत्ते पहुँचते हो उसके बाद फिर एजेंट का जरा काम है वो मेन एजेंट का काम शुरू होंगे तुम एयरपोर्ट तो बाहर लिया, क्योंकि जिस एजेंट के थ्रू तुम आए होंगे उन्होंने कॉन्टैक्ट होंगे ने एयरपोर्ट के अमले के नाल आपी एयरपोर्ट तो बाहर कढ़ाते हैं। जे असी गल करिए 2-3 साल पहला दी पाकिस्तान तो जो इंडिया तो जो तुम दुबई का डंकी लवाई जाती है उस तो बाद ब्राज़ील लैके जाया जाता है। ब्राज़ील यह होंगे कि तुम एयरपोर्ट के उत्ते ही असालम अप्लाई कर सकते हो, तुम एक पेज दे दें वो पेज पूर करने तो बाद एयरपोर्ट तो बाहर निकल सकते हो, तुहाडा असालम अप्लाई हो जाए। हूँ उन्होंने कुछ रूल्स से चेंजिंग कीतियां ने, बड़ा ही स्ट्रिक्ट उन्होंने रूल अपनाया स्पैशली इंडियन वास्ते पाकिस्तानियों वास्ते, क्योंकि उन्होंने पता है कि ये जो बंदे ने तकरीबन 80% जो बंद वो वापस ही नहीं जाता, विजिट वीज़ा लैके आता या किसी न किसी तरीके ब्राज़ील आ जाता है। 80% तो ज़्यादा जो बंद ने स्पैशली पाकिस्तान इंडियन जो ने वो वापस परत के नहीं जाते, वो पेरू वाल की डंकी ला के तो अमरीका वाल टुर जाते हैं। ज़्यादातर केसा के ही होंगे तो इसलिए पहला होंगे ही कि तुम जो एयरपोर्ट के उत्ते ही असालम अप्लाई कर लेंगे सो, तो हूँ उन्होंने ये ऑप्शन जोड़ा वो कैंसल कर छड़िया, हूँ तुम असालम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इतने हूँ जो एजेंट
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਢਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਡੰਕੀ ਲਾਉਣ ਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਡਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਡੰਕੀ ਲਾਉਣ ਡੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤਿਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤਿਕਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਦੂਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੀ ਡੰਕੀ ਤਿਕਰਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਡਿਆ 160 ਰੁਪਈਏ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹ 75 ਰੁਪਈਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਦਿਸੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਡੰਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਝ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਡੰਕੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਕਿੰਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਰੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਵਾਡੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਏਜੰਟ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੀਕਰਾਂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਚੈਨਲ ਟੀਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ।